हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे सब आप? आए पर बढ़िया होंगे। ये पल्सर मेरे पास करीब 2 दिन से है। इसमें मुझे रैपिंग करवानी थी मैट ब्लैक। तो क्या है, कल तो बारिश हो रही थी, इस कारण कहीं हो नहीं पाई। तो आज हमने कैसे इस पर रैपिंग करवा ली। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये मैट ब्लैक रैपिंग करवाने के बाद ये बाइक कैसे दिखती है। वैसे आपको टैंक वगैरह दिख ही रहा होगा ऑलरेडी कि कैसा लग रहा है। अभी मैं इसको साइड में खड़ी करता हूँ तो आपको इसका पूरा ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ से। मैं आपको मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर इसमें थोड़े बहुत ग्राफिक्स वगैरह और ऐड कर दिया जाए तो बाइक इतनी शानदार हो जाए कि देखने में काफ़ी अग्रेसिव लगे। और ये पल्सर 125 है। वैसे कोई कह नहीं सकता कि रैपिंग करने के बाद 125 है। इसको दूर से लगेगा कि यार क्या कलर है, कंपनी क्या कलर निकाला, जबकि कंपनी से जब ये आई थी तो ग्लोसी पेंट में थी, तो इतनी ज़्यादा खास नहीं थी। पर अब इसमें मैट ब्लैक कराने के बाद कि इतनी अच्छी हो गई है कलर, सॉरी कलर ने रैपिंग कराने के बाद इतनी अच्छी लगी कि पर्सनली बोल दूँ मुझे मन को भा गई है। और भाई जिसने किया है ना उसने कल बोला कि भैया बहुत अच्छी लग रही है। काफ़ी बंदों ने तारीफ भी की इसकी कि भैया मैट ब्लैक में काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए मैं आपको एक सिनेमेटिक शॉट दिखा रहा हूँ कुछ। रियल में देखोगे ना आपको मैट ब्लैक में इतनी अच्छी लगेगी बाइक कि आप बता नहीं सकते। जैसे किसी देखिए, मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी मैट ब्लैक में। शुभम ने मैं आपको बता दूँ ये बाइक मेरे दोस्त शुभम की है। तो उसने बोला था भाई तुझे जो अच्छा कलर लगता है ना वो करा। मैंने बोला कि कहता हूँ मैट ब्लैक कराते तो उसमें काफ़ी लुक भी अच्छा हो जाएगा और तो बढ़िया भी लगेगी। बोला ठीक है जो तुझे अच्छा लगे। तो मैंने इसे मैट ब्लैक कराया तो ये बाइक इतनी अच्छी लगी है कि आपको पता नहीं। तो कोई बोल भी नहीं सकता कि इसमें हमने रेपिंग कराई क्या कराई है। मतलब ये है कि आप मान के चलो तो ऐसे एग्जिट मतलब कंपनी सही है बिल्कुल। फ्रेंड्स आप सब भी बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी रेपिंग कराई हुई। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये बाइक आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।